मेरे प्यारे देशवासियों, सादर नमस्कार। एक तरफ देश उत्सवों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती हैं तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। यह हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है। देश की एकता के लिए जी जान लगाने देने वाले सरदार पटेल का देश है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक जीवन मूल्यों को, अहिंसा को, समादर को स्वीकार किया हुआ है, हमारी जहन में भरा हुआ है। अहिंसा परमो धर्म, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, कहते आए हैं। मैंने लाल किले से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सांप्रदायिक आस्था हो, चाहे वो राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति आस्था हो, चाहे वो व्यक्ति के प्रति आस्था हो, चाहे वो परंपराओं के प्रति आस्था हो। आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्था है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कानून हाथ में लेने वाले, हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा और न ही कोई सरकार बर्दाश्त करेगी। हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा, कानून जवाबदेही तय करेगा और दोषियों को सजा देके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और ये विविधताएं खान पान, रहन सहन, पहनाव वहां तक सीमित नहीं है। जीवन के हर व्यवहार में हमें विविधताएं नजर आती हैं। यहां तक कि हमारे त्योहार भी विविधताओं से भरे हुए हैं और हजारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के कारण सांस्कृतिक परंपराएं देखें, सामाजिक परंपराएं देखें, ऐतिहासिक घटनाएं देखें तो शायद ही 365 दिन में कोई दिन बचता होगा जबकि हमारे यहां कोई त्योहार से न जुड़ा हुआ हो। और ये भी आपने देखा होगा कि हमारे सारे त्योहार प्रकृति के समय पत्रक के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के साथ सीधा सीधा संबंध आता है। हमारे बहुत सारे त्योहार तो सीधे सीधा किसान से जुड़े हुए होते हैं, मछुआरों से जुड़े हुए होते हैं। आज मैं त्योहारों की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहूंगा। जैन समाज में कल संवत्सरी का पर्व मनाया गया। जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन संवत्सरी का दिन होता है। ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। संवत्सरी का पर्व क्षमा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है। इसे एक प्रकार से क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कड़म कहने की परंपरा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम यानी क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा करने वाला वीर होता है, ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं। और महात्मा गांधी तो हमेशा कहते थे क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्षमा भाव के महत्व को बताते हुए लिखा था, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अर्थात क्षमा करने वाला और जिसे क्षमा किया गया, दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों हिंदुस्तान के हर कोने में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है और जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो सार्वजनिक गणेशोत्सव की बात स्वाभाविक है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया और पिछले 125 साल आजादी के पहले वो आजादी आंदोलन का प्रतीक बन गए थे और आजादी के बाद
वे समाज शिक्षा, सामाजिक चेतना जगाने के प्रतीक बन गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है। इस महापर्व को एकता, समता और सुचेता का प्रतीक कहा जाता है। सभी देशवासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के रंग बिरंगे त्योहारों में से एक ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व अपने सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ओणम का पर्व केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। यह पर्व समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देने के साथ साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागृत करता है। और अब तो हमारे त्योहार भी टूरिज्म के आकर्षण का भी कारण बनते जा रहे हैं। और मैं तो देशवासियों से कहूंगा कि जैसे गुजरात में नवरात्रि का उत्सव या बंगाल में दुर्गा उत्सव एक प्रकार से टूरिज्म का आकर्षण बन चुके हैं, हमारे और त्योहार भी विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक अवसर है। उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं सोचना चाहिए। इन त्योहारों की श्रृंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में ईद उल जुहा का पर्व भी मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतीक तो है ही। हमें नए भारत में त्योहारों को स्वच्छता का भी प्रतीक बनाना है। पारिवारिक जीवन में तो त्योहार और स्वच्छता जुड़े हुए हैं। त्योहार की तैयारी का मतलब है साफ सफाई। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये सामाजिक स्वभाव बनाना भी जरूरी है। सार्वजनिक रूप से स्वच्छता का आग्रह सिर्फ घर में नहीं, हमारे पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में स्वच्छता ये त्योहारों के साथ एक अटूट हिस्सा बनना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक होने की परिभाषाएं बदलती चली जा रही हैं। इन दिनों एक नया डायमेंशन, एक नया पैरामीटर, आप कितने संस्कारी हो, कितने आधुनिक हो, आपकी थॉट प्रोसेस कितनी मॉडर्न है, इसे जानने में एक तराजू भी काम में आने लगा है, और वो है एनवायरनमेंट के प्रति आप कितने सजग हैं। आपके अपनी गतिविधियों में इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्यवहार है कि उसके खिलाफ है? समाज में अगर उसके खिलाफ है तो आज बुरा माना जाता है। और उसी का परिणाम मैं देख रहा हूं कि इन दिनों ये गणेशोत्सव में भी इको फ्रेंडली गणपति मानो एक बड़ा अभियान खड़ा हो गया है। अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे, हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं, मिट्टी लाकर के गणेश जी बना रहे हैं, उस पर रंग पोताई कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल के कलर लगा रहा है, कोई कागज के टुकड़े चिपका रहा है, भांति भांति के प्रयोग हर परिवार में हो रहे हैं। एक प्रकार से एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा व्यापक प्रशिक्षण इस गणेशोत्सव में देखने को मिला है, शायद ही पहले कभी मिला हो। मीडिया हाउस भी बहुत बड़ी मात्रा में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है, और ये सुखद बदलाव है। और जैसा मैंने कहा, हमारा देश करोड़ों करोड़ों तेजस्वी दिमागों से भी भरा हुआ है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नए नए इनोवेशन जानते हैं। मुझे किसी ने बताया कि कोई एक सज्जन है जो स्वयं इंजीनियर है, उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से मिट्टी इकट्ठी करके उसका कॉम्बिनेशन करके गणेश जी बनाने की ट्रेनिंग लोगों की, और वो एक छोटी सी बाल्टी में पानी में गणेश विसर्जन होता है तो उसी में रखते हैं, तो वो पानी में तुरंत डाइल्यूट हो जाती है। और उन्होंने यहां पर रुके नहीं, उसमें एक तुलसी का पौधा बो दिया और पौधे बो दिए। 3 वर्ष पूर्व जब स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, 2 अक्टूबर को उसको 3 साल हो जाएंगे, और उसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। शौचालयों की कवरेज 39% से करीब करीब 67% पहुंची है। 2,30,000 से भी ज्यादा गांव खुले में शौच से अपने आप को मुक्त घोषित कर चुके हैं।
पिछले दिनों गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, काफी लोग अपना जान गंवा बैठे। लेकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गंदगी फैल गई थी। ऐसे समय में गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित 22 मंदिर एवं 3 मस्जिदों की चरणबद्ध तरीके से साफ सफाई की। खुद ने पसीना बनाया, सब लोग निकल पड़े। स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उदाहरण, हर किसी को प्रेरणा देने वाला ऐसा उदाहरण जमीयत उलेमाए हिंद के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। स्वच्छता के लिए समर्पण भाव से किया गया प्रयास, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूं कि एक बार फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा, जैसे पहले कहते थे जन सेवा यही प्रभु सेवा, स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलाएं, पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहौल बनाएं। जैसा अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, हम अवसर ढूंढें, लेकिन हम सभी जुड़े। इसे एक प्रकार से कि दिवाली की तैयारी मान ले, इसे एक प्रकार से नवरात्र की तैयारी मान ले, दुर्गा पूजा की तैयारी मान ले, श्रमदान करें, छुट्टी के दिन या रविवार को इकट्ठा होकर एक साथ काम करें, आस पड़ोस की बस्ती में जाएं, नजदीक के गांव में जाएं, लेकिन एक आंदोलन के रूप में करें। मैं सभी एनजीओस को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नेतृत्व को, सरकार के अफसरों को, कलेक्टरों को, सरपंचों को, हर किसी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती के पहले ही 15 दिन हम एक ऐसी स्वच्छता का वातावरण बनाएं, ऐसा स्वच्छता खड़ी कर दें कि 2 अक्टूबर सचमुच में गांधी के सपनों वाली 2 अक्टूबर हो जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने mygov.in पर एक सेक्शन बनाया है जहां शौचालय निर्माण के बाद आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ट कर सकते हैं जिसकी आपने मदद की है। मेरे सोशल मीडिया के मित्र कुछ रचनात्मक अभियान चला सकते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड को धरातल पर काम हो उसकी प्रेरणा बना सकते हैं। स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि प्रतियोगिता पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा यह अभियान, जिसमें आप निबंध की स्पर्धा है, लघु फिल्म बनाने की स्पर्धा है, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप विभिन्न भाषाओं में निबंध लिख सकते हैं और उसमें कोई उम्र की मर्यादा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, 2-3 मिनट की फिल्म बना सकते हैं जो स्वच्छता के लिए प्रेरणा दे। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, वो साइलेंट भी हो सकती है। ये जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उसमें से जो बेस्ट 3 लोग चुने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 होंगे, स्टेट लेवल पे 3 होंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं हर किसी को निमंत्रण देता हूं कि आइए स्वच्छता के इस अभियान के इस रूप में भी आप जुड़े। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छ 2 अक्टूबर मनाने का संकल्प करें और इसके लिए 15 सितंबर से ही स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं, स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं, स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बने। आप देखिए गांधी जयंती की 2 अक्टूबर कैसी चमकेगी। आप कल्पना कर सकते हैं 15 दिन की सफाई के इस अभियान के बाद, स्वच्छता ही सेवा के बाद 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जयंती मनाएंगे तो पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनंद होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक विशेष रूप से आप सबका ऋण स्वीकार करना चाहता हूं। हृदय की गहराई से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि इतने लंबे अरसे तक आप मन की बात से जुड़े रहे, मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं, ऋण स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ देश के हर कोने से लाखों लोग जुड़ जाते हैं। सुनने वाले की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन लाखों लोग
मुझे कभी पत्र लिखते हैं, कभी मैसेज देते हैं, कभी फोन पे संदेश आ जाता है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। देश के जन जन के मन को जानने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। आप जितना मन की बात का इंतजार करते हैं उससे ज्यादा मैं आपके संदेशों का इंतजार करता हूं। मैं लालायित रहता हूं क्योंकि आपकी हर बात से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं जो कर रहा हूं उसको कसौटी पर कसने का अवसर मिल जाता है। बहुत सी बातों को नए तरीके से सोचने के लिए आपकी छोटी छोटी बातें भी मुझे काम आती हैं और इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका ऋण स्वीकार करता हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी बातों को मैं स्वयं देखूं, सुनूं, पढ़ूं, समझूं। और ऐसी ऐसी बातें आती हैं। अब देखिए, अब इस फोन कॉल से आप भी अपने आप को कोरिलेट करते होंगे। आपको भी लगता होगा, हाँ यार, आपने कभी ऐसी गलती की है। कभी कभी तो कुछ चीजें हमारे आदत का ऐसी हिस्सा बन जाती है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं पुणे से अपर्णा बोल रही हूँ। मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ। वह हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी। एक साड़ी पर उसने 2000 रूपए बड़े आराम से खर्च कर दिए और पिज्जा पर 450 रूपए, जबकि मॉल तक जाने के लिए जो ऑटो लिया था उस ऑटो वाले से बहुत देर तक 5 रूपए के लिए मोलभाव करती रही। वापस लौटते हुए रास्ते में सब्जी खरीदी और हर सब्जी पर फिर से मोलभाव कर 4-5 रूपए बचाए। मुझे बहुत बुरा लगता है, हम बड़ी बड़ी जगह एक बार भी बिना पूछे बड़े बड़े भुगतान कर देते हैं और हमारे मेहनतकश भाई बहनों से थोड़े से रुपयों के लिए झगड़ा करते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं। आप अपनी मन की बात में इस बारे में जरूर बताएं। अब ये फोन कॉल सुनने के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि आप चौंक भी गए होंगे, चौकन्ने भी हो गए होंगे और हो सकता है आगे से ऐसी गलती न करने का मन में तय भी कर लिए होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम हमारे घर के आसपास कोई सामान बेचने के लिए आता है, कोई फेरी लगाने वाला आता है, किसी छोटे दुकानदार से, सब्जी बेचने वालों से हमारा संबंध आ जाता है, कभी ऑटो रिक्शा वाले से संबंध आता है, जब भी हमारा किसी मेहनतकश व्यक्ति के साथ संबंध आता है तो हम उससे भाव का तोलमोल करने लग जाते हैं, मोलभाव करने लग जाते हैं। नहीं, इतना नहीं, 2 रुपया कम करो, 5 रुपया कम करो। और हम ही लोग किसी बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बिल में क्या लिखा है देखते भी नहीं है, धड़ाम से पैसे दे देते हैं। इतना ही नहीं, शोरूम में साड़ी खरीदने जाए कोई मोलभाव नहीं करते, लेकिन किसी गरीब से अपना नाता आ जाए तो मोलभाव किए बिना रहते नहीं है। गरीब के मन को क्या होता होगा, ये कभी आपने सोचा है? उसके लिए सवाल 2 रुपये 5 रुपये का नहीं है। उसके हृदय को चोट पहुंचती है कि आपने, वो गरीब है इसलिए उसकी ईमानदारी पर शक किया है। 2 रुपया 5 रुपया आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी ये छोटी सी आदत उसके मन को कितना गहरा धक्का लगाती होगी, कभी सोचा है? मैडम, मैं आपका आभारी हूं, आपने इतना हृदय को छूने वाला फोन कॉल किया, एक मैसेज मुझे दिया। मुझे विश्वास है कि मेरे देशवासी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार करने की आदत होगी तो जरूर छोड़ देंगे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यह महान हॉकी प्लेयर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। हॉकी के लिए उनका योगदान अतुलनीय था। मैं इस बात का स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। हमारी देश की युवा पीढ़ी खेल जगत में आगे आए, और आज कंप्यूटर के युग में तो मैं आगाह भी करना चाहूंगा
कि प्लेइंग फील्ड प्ले स्टेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर पर फीफा खेलिए, लेकिन बाहर मैदान में भी तो कभी फुटबॉल के साथ करतब करके दिखाइए। कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन खुले मैदान में आसमान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनंद कुछ और होता है। एक समय था जब परिवार के बच्चे बाहर जाते थे तो माँ पहले पूछती थी, तुम कब वापस आओगे। आज हालत ये हो गई है कि बच्चे घर में आते ही कोने में या तो कार्टून फिल्म देखने में लग जाते हैं या तो मोबाइल गेम पर चिपक जाते हैं, और तब माँ को चिल्ला करके कहना पड़ता है, तू कब बाहर जाएगा। वक्त वक्त की बात है, वो भी एक जमाना था जब माँ बेटे को कहती थी, तू कब आओगे। और आज ये हाल है कि माँ को कहना पड़ता है, बेटा तुम बाहर कब जाओगे। नौजवान दोस्तों, खेल मंत्रालय ने खेल प्रतिभा की खोज और उन्हें निखारने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है, जहां पूरे देश से कोई भी बच्चा जिसने खेल के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की है, उनमें टैलेंट हो, वो इस पोर्टल पर अपना बायोडाटा या वीडियो अपलोड कर सकता है। सिलेक्टेड इमर्जिंग प्लेयर्स को खेल मंत्रालय ट्रेनिंग देगा और मंत्रालय कल ही इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला है। हमारे नौजवानों के लिए तो खुशी की खबर है कि भारत में 6 से 28 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर से 24 टीमें भारत को अपना घर बनाने जा रही हैं। आइए विश्व से आने वाले हमारे नौजवान मेहमानों का खेल के उत्सव के साथ स्वागत करें, खेल को एंजॉय करें, देश में एक माहौल बनाएं। जब मैं आज खेल की बात कर रहा हूं तो मैं पिछले हफ्ते एक मेरे मन को बड़ा ही छू जाने वाली घटना घटी, देशवासियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत ही छोटी आयु की कुछ बेटियों से मिलने का मौका मिला, और उसमें से कुछ बेटियां तो हिमालय में पैदा हुई थी, समंदर से जिनका कभी नाता भी नहीं था। ऐसी हमारी देश की 6 बेटियां जो नेवी में काम करती हैं, उनका जज्बा, उनका हौसला हम सबको प्रेरणा देने वाला है। ये 6 बेटियां एक छोटी सी बोट लेकर के INSV तरिणी उसको लेकर के समंदर पार करने के लिए निकल पड़ेगी। इस अभियान का नाम दिया गया है नाविका सागर परिक्रमा, और वे पूरी विश्व का भ्रमण करके महीनों के बाद, कई महीनों के बाद भारत लौटेगी। कभी एक साथ 40-40 दिन पानी में बिताएगी, कभी कभी 30-30 दिन पानी में बिताएगी। समंदर के लहरों के बीच साहस के साथ हमारी ये 6 बेटियां, और ये विश्व में पहली घटना हो रही है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिन्हें हमारी इन बेटियों पर नाज न हो। मैं इन बेटियों के जज्बे को सलाम करता हूं, और मैंने उनसे कहा है कि वो पूरे देश के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। मैं भी नरेंद्र मोदी ऐप पर उनके अनुभवों के लिए एक अलग व्यवस्था करूंगा, ताकि आप जरूर उसे पढ़ पाएं, क्योंकि एक प्रकार से ये साहस कथा है, स्वानुभव की कथा होगी, और मुझे खुशी होगी इन बेटियों की बातों को आपके तक पहुंचाने में। मेरी इन बेटियों को बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। वो हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीना पसंद करते थे। वे शिक्षा के प्रति समर्पित थे, एक अध्येता, एक राजनयिक, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन हर पल एक जीते जागते शिक्षक। मैं उनको नमन करता हूं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
इस वर्ष जब हम शिक्षक दिवस मनाएं, क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं, एक मिशन मोड में एक अभियान चला सकते हैं, टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर, लर्न टू लीड, इस संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? हर किसी को 5 साल के लिए किसी संकल्प से बांधिए, उसको सिद्ध करने का रास्ता दिखाइए और 5 साल में वो पाकर के रहे, जीवन में सफल होने का आनंद पाए, ऐसा माहौल हमारी स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षा संस्थान ये कर सकते हैं। और हमारे देश में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे परिवार में मां की याद आती है, वैसे ही समाज में शिक्षक की याद आती है। ट्रांसफॉर्मेशन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हर शिक्षक के जीवन में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके सहज प्रयासों से किसी की जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन में सफलता मिली होगी। अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो राष्ट्र के ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। आइए टीच टू ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। प्रणाम प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या अवस्थी। मैं मुंबई शहर की निवासी हूँ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया रिसर्च सेंटर के लिए काम करती हूँ। एक रिसर्चर के तौर पे मेरी विशेष रुचि रही है वित्तीय समावेशन, या जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, इनसे रिलेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 2014 में जो जनधन योजना लॉन्च हुई, क्या आप कह सकते हैं, क्या आंकड़े ये दिखाते हैं कि आज 3 साल बाद भारतवर्ष फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर है या ज्यादा सशक्त है? और क्या ये सशक्तिकरण और सुविधाएं हमारी महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को गांव और कस्बों तक भी प्राप्त हो पाई हैं? धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में आर्थिक जगत के पंडितों की चर्चा का विषय रहा है। 28 अगस्त 2014 को मन में एक सपना लेकर के इस अभियान को प्रारंभ किया था। कल 28 अगस्त को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अभियान को 3 साल हो रहे हैं। 30 करोड़ नए परिवारों को इसके साथ जोड़ा है, बैंक अकाउंट खोला है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा ये नंबर है। आज मुझे एक बहुत बड़ा समाधान है कि 3 साल के भीतर भीतर समाज का उस आखिरी छोर पर बैठा हुआ मेरा गरीब भाई देश की अर्थव्यवस्था की मूल धारा का हिस्सा बना है। उसकी आदत बदली है, वो बैंक में आने जाने लगा है, वो पैसों की बचत करने लगा है, वो पैसों की सुरक्षा महसूस कर रहा है। कभी पैसे हाथ में रहते हैं, जेब में रहते हैं, घर में है तो फालतू खर्च करने का मन कर जाता है। अब एक संयम का माहौल बना है और धीरे धीरे उसको भी लगने लगा है कि पैसे कहीं बच्चों के काम आ जाएंगे, आने वाले दिनों में कोई अच्छा काम करना है तो पैसे काम आएंगे। इतना ही नहीं, जो गरीब अपने जेब में रुपए कार्ड देखता है तो अमीरों की बराबरी में अपने आप को पाता है कि उनके जेब में भी क्रेडिट कार्ड है, मेरे जेब में भी रुपए कार्ड है। वो एक सम्मान का भाव महसूस करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमारे गरीबों के द्वारा करीब 65,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा हुआ है। एक प्रकार से गरीब की ये बचत है, ये आने वाले दिनों में उसकी ताकत है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जिसका अकाउंट खुला उसको इंश्योरेंस का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 1 रुपया, 30 रुपया, बहुत मामूली सा प्रीमियम आज वो गरीबों की जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा कर, कई परिवारों में 1 रुपये के बीमे के कारण जब परिवार में संकट आया, परिवार के मुखिया का जीवन अंत हो गया, कुछ ही दिनों में उसे 2 लाख रुपए मिल गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, पढ़ लिख करके निकला हुआ नौजवान हो, अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ करने का इरादा वाले नौजवान हो, करोड़ों करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, बैंकों से बिना कोई गारंटी पैसे मिले। और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए इतना ही नहीं,
हर किसी ने एकाध एकाध दो को रोजगार देने का सफल प्रयास भी किया है। पिछले दिनों बैंक के लोग मुझे मिले थे, जनधन योजना के कारण, इंश्योरेंस के कारण, रुपे कार्ड के कारण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण सामान्य लोगों को कैसा लाभ हुआ है उसका उन्होंने सर्वे करवाया और बड़ी प्रेरक घटनाएं मिली। आज इतना समय नहीं है, लेकिन मैं जरूर ऐसी घटनाओं को बैंक के लोगों से कहूंगा कि वो mygov.in पर उसको अपलोड करें, लोग पढ़ें, लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी कि कोई योजना व्यक्ति के जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, कैसे नई ऊर्जा भरता है, कैसे नया विश्वास भरता है। इसके सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने आए हैं, आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और ऐसी प्रेरक घटना है कि मीडिया के लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, वे भी ऐसे लोगों से इंटरव्यू करके नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार आपको मिच्छामी दुक्कड़म, बहुत बहुत धन्यवाद।